गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ पर मुझसे त्रुटि बहुत हो रही है तो क्या महाराज जी मेरे को ब्रह्मचर्य के लिए आपने जो आसन बताएं कौन कौन से महाराज जी मैं करूं आसन मेरे को बता दीजिए गृहस्थी में जाना है ना जैसे सिद्धासन है पदमाशन है इनको ज्यादा फिर गृहस्थी में उचित ब्रह्मचर्य धारण किया अभी तो नए बच्चे हो दंड लगाओ बैठक लगाओ दौड़ लगाओ है नहीं और ऐसे एक बार एक दिनचर्या बताई थी वो पढ़ी होगी यूट्यूब में उसको सुनो उस दिनचर्या से साधु का जो ब्रह्मचर्य होता है ऊर्धगामी ब्रह्मचर्य होता है वो फिर गृहस्थी लायक नहीं रह जाता है ऐसे वो आसन होते हैं जैसे इंद्रियों को नष्ट हो जाना होता है अब तुम्हें गृहस्थी में जाना है तो जैसे सिद्धासन लगाओ पद्मासन लगाओ वो पद्धति करो तो अब जाना गृहस्थी में तो फिर ठीक नहीं है ठीक है ना गृहस्थी लायक साधन करो अलग अलग मार्गों के साधन बाबा जी बनना होता तो अलग मार्ग का साधन है इसलिए सहज सुखासन में ऐसे बैठ गए नाम जब किए दंड बैठक मारे व्यायाम और आसन प्राणायाम कर लो थोड़ा बस इतना उचित है और नाम जब करो अच्छे भाव से रहो अब जो गंदी फिल्में देखोगे उसमें मोबाइल में, में वो गंदी चेष्टाएं करोगे तो ब्रह्मचर्य थोड़ी रह पाओगे चाहे जो जैसे आसन में बैठो मोबाइल तो रहता ही आजकल छोटे छोटे बच्चों के पास रहता है आपके पास भी है तो आप गंदी बातें देखते हो मोबाइल से यहाँ तो ऐसे कर दोगे कि नहीं है? पहले कितने के हो गए तुम <laughs> अभी तो बच्चे ही हो ला। अभी, अभी अभी सही है कब से पिछले कुछ महीने हाँ बच्चा तो कुछ महीने से क्या संस्कार तो पूरे बने दिमाग में चित्रण बहुत बड़ा दिमाग के सी सी कैमरा है अनजाने में भी सब कुछ भर लेता है फिर तुम जानबूझ के देखोगे तो भरी जाएगा कभी मोबाइल से गंदी बातें मत देखना और गंदे बच्चों का संग मत करना और गंदी क्रियाएं मत करना ऐसे रहो गंदी क्रिया के समय मानो मेरे हाथ टूट गए मुझे नहीं करना बिल्कुल ऐसे सावधान तो भले निकल जाओ नहीं तो एक बार इस दलदल में गिर जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है तो क्या व सुधार हो जाता है अब तुम अपने को सुधारने के लिए माता पिता अब इतने खुद अपने में रमे हुए हैं कि बच्चों को देखते नहीं और ये शर्म की बात समझी जाती है ये शर्म की बात नहीं है जैसे डॉक्टर से अपनी सारी बात ऐसे माता पिता हमें लगता है बैठ कर के अपने बच्चों से बात करना चाहिए और बच्चों की समस्याओं का ऐसी समस्याओं का मित्रवत समाधान करना चाहिए नहीं तो कुछ लोग शर्माते हैं अपने बच्चों से बात करने में भी बच्चे नष्ट हो अब जैसे आपकी अवस्था है अब आप ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहे हैं तो आपका जब ब्याह होगा ना तो आप उत्पत्ति की क्षमता को खो देंगे कि एक जो सहज प्रक्रिया है घर गृहस्थी में वो एक अलग है ये जो प्रक्रिया है इससे नाड़ियां घर्षण के द्वारा नष्ट हो जाती हैं और सामर्थ्यहीन हो जाती हैं फिर वो न वैराग्य लायक रह जाता है न भोग लायक रह जाता है इस अवस्था में बहुत संयम की जरूरत है वैसे हमारी प्रार्थना मानो आज से नियम लो कि आप अपने हाथ से कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे और सहयोग तो भगवान देने वाले है पर तुम ये ध्यान रखना पूरा मन करेगा तुमको उस समय सोचना है नहीं 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 बिल्कुल नहीं राधा 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 तो बच सकते हो अगर ढिलाई की तो फिर नहीं बच कसम खा के भी नहीं फिर रुका जा सकता ये नशा है जैसे अफीमची का नशा ऐसे हर इंद्रिय का अपना एक नशा है अगर वो अपने रंग में आ जाए तो भगवान की भी कसम को तोड़ दे गुरुजनों की भी कसम को तोड़ दे तो रखोगे वृंदावन की बात कि हमने वृंदावन में नियम ले लिया है अब ऐसी क्रिया नहीं करेंगे ठीक है फिर हमसे एक महीना बाद मिलोगे है हाँ पचास बैठक मारो बीस सपाटे मारो कम से कम ठीक है बैठक समझते हो सपाटे समझते हो दंड है अभी यहाँ कैसे तुम्हें कि सपाटे ऐसे है पुषप पता पुषप जो इसे लेट है वैसे गूगल में सर्च कर लो पढ़े लिखे हो जब वो सर्च कर सकते तो ये भी सर्च कर सकते <laughs> नहीं और इसके बाद तीन किलोमीटर दौड़ो डेढ़ किलोमीटर जाओ डेढ़ किलोमीटर दौड़ के आओ ऐसा अच्छा करोगे ठीक है और सोच के पहले एक लीटर पानी पियो हल्का गुनगुना करके और थोड़ा टहलो फिर सोच जाओ फिर दौड़ लगाओ फिर डंड बैठाओ अभी अभी सब ठीक हो जाएगा थोड़ा संयम से चलो ऐसी कोई बात देखो मत ऐसा मत करो बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे अभी तो पंद्रह सोलह की होगी आई है चौदह चौदह की देखो आप कमाई के निकले अब बताओ ये अवस्थाएँ बर्बाद होने वाली इस अवस्था में तो बहुत तेजो में चेहरा होना चाहिए लावण्य भरा चेहरा होना चाहिए आप लोग गलत आचरण करके अपने को गिरा रहे हो सुधार करो ठीक है एक महीना बाद फिर हमसे मिलना ठीक है ठीक है जी